प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। आज हम आपको बताएंगे कि पेड़ पौधे लगा करके आप अपनी कुंडली के खराब ग्रहों को बेहतर कैसे कर सकते हैं। उसके पहले ये जानते हैं कि ज्योतिष में पेड़ पौधों का महत्व क्या है। देखिए, प्रत्येक ग्रह की एक विशेष तरंग है और एक सुगंध भी है, एक गंध भी है। मंत्रों का जप करने से, रत्न धारण करने से और दान करने से आप इन्हीं ग्रहों को बेहतर करते हैं, क्योंकि इससे ग्रहों की तरंग पर असर पड़ता है। पौधे लगाना और उनकी उपासना करना भी ग्रहों के नियंत्रण का एक सरल और अचूक उपाय है। अगर आप पौधे लगाते हैं और ग्रहों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से सही तरीके के पौधे लगा करके उनकी देखभाल करके आप ग्रहों को नियंत्रित कर पाते हैं। ग्रहों के तरंगों और रश्मियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष तरह के पौधे लगाए जाते हैं। पौधे दो तरह से लगाए जा सकते हैं। एक, आप पौधे लगा सकते हैं ग्रहों के अनुसार। जिस ग्रह को आपको बेहतर करना है उस ग्रह के पौधे लगा सकते हैं, और जिस तरह की आपकी आवश्यकता है, जिस तरह की कामना आपको पूरी करनी है, उसके हिसाब से भी आप पौधे लगा सकते हैं। गलत तरह से अगर आप पौधे लगाते हैं या घर में गलत पौधे लगाते हैं तो बिना कारण के जीवन में बाधाओं की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए घर में जब भी पौधे लगाएं, किस उद्देश्य के लिए लगा रहे हैं, किस तरह के पौधे लगा रहे हैं और कैसे उनका प्रयोग किया जाएगा, इसको समझने का प्रयास करें। आप अपने घर में अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने ग्रहों के अनुसार पौधे लगा सकते हैं, लेकिन उनको लगाने के नियम भी हैं और सावधानियां भी हैं। क्या हैं? कभी भी घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई भी पेड़ पौधा मत लगाइएगा। इसको द्वार वेध कहते हैं। और अगर दरवाजे के ठीक सामने आप पेड़ पौधा लगाते हैं तो जीवन की उन्नति रुक जाएगी। पौधे लगाएंगे सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के समय, ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या काल में पौधे लगाना बेहतर होता है। जिन पौधों को काटने या तोड़ने से दूध जैसा पदार्थ निकलता है, दूधदार या कांटे वाले पौधे अपने घर में मत लगाइए। घर में जो आप पौधे लगाते हैं वो बड़े होकर इतने बड़े पेड़ न बन जाएं कि उनकी छाया घर पर पड़ने लगे। वृक्षों की छाया घर पर ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। घर में बिना खुशबू के फूलों के पौधे मत लगाइएगा। ऐसे फूल जिसमें से खुशबू आती हो उन्हें लगाने से संतान पक्ष अच्छा होता है। फल वाले पौधे, अच्छे फूलों वाले पौधे लगाना बढ़िया होता है। ऐसे पौधे मत लगाएं जिनकी फूलों में कोई खुशबू ना हो। केले का पौधा अगर आप लगाते हैं तो इसे कभी भी घर के मुख्य द्वार पर मत लगाइए। मेन डोर या मेन डोर के आसपास केले का पौधा लगाना अच्छा नहीं होगा। पौधों में रोज आपको जल अर्पित करना चाहिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और जो उस पौधे से संबंधित ग्रह का दिन है उस दिन उस पौधे की पूजा जरूर करिएगा। अगर आप पौधा लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं
और पौधा उन्नति करता है, ग्रो करता है, तो जैसे जैसे पौधा उन्नति करेगा वैसे वैसे आपकी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। तो पौधों की उन्नति देखना भी जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पौधे लगा के छोड़ दिए और पौधे सूख गए, ऐसा करना बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा। अब ग्रहों के हिसाब से किसी खास ग्रह को बेहतर करने के लिए आप कौन से पौधे लगाएंगे और कहां लगाएंगे ये भी जान लीजिए। सूर्य के लिए मदार का पौधा लगाना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। मदार का पौधा आप घर के द्वार के आसपास लगाइएगा। अगर आप मदार का पौधा लगा करके नियमित रूप से इसकी देखभाल करते हैं, आपका सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा के लिए चंदन का पौधा या बेले का पौधा घर के पीछे की तरफ लगाना बढ़िया होगा। आप चंदन का पौधा लगाएं या बेले का पौधा लगाएं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। चंद्रमा की बाधाएं दूर हो जाएंगी। मंगल को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो आंवले का पौधा लगाएं, घर के बीचों बीच में लगा सकते हैं या घर के पीछे की ओर लगा सकते हैं। आंवले का पौधा लगाना अपने घर में बहुत अच्छा होगा। अगर इसके साथ जुड़े रहें, इसका ध्यान देते रहें, तो मंगल आपका मजबूत होगा। बुध के लिए दूब घास लगा सकते हैं और दूब घास घर में कहीं भी लगा सकते हैं। कोई जगह ना मिले तो गमले में मिट्टी भर करके एक गमले में दूब घास लगाइए, बुध की बाधाएं दूर होंगी। बृहस्पति के लिए आप अपने घर में केले का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि केले का पौधा हमेशा घर के पीछे लगेगा, घर के फ्रंट पर कभी नहीं लगेगा। शुक्र की बात करें तो आप शुक्र को मजबूत करने के लिए अपने घर में हर सिंगार का या पारिजात का पौधा लगाएं और हर सिंगार या पारिजात का पौधा घर के पीछे लगाना हर हिसाब से शुभ रहेगा। शनि की बात करें तो शनि के लिए शमी का पौधा लगाया जाता है। इसको घर के द्वार के आसपास लगाना ज्यादा बेहतर होगा। राहु और केतु की अगर बात करें तो राहु केतु की समस्याओं से निपटने के लिए आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं और इसको घर के बीचों बीच में लगाना ज्यादा शुभ होगा। और परंपरा तो देखिए, हिंदू परंपरा तो कहती ही है कि घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा होने से घर के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है और वो किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी से बचे रहते हैं। अगर हम सूर्य के पौधे मदार की बात करें तो मदार में रोज सुबह जल डालिएगा और हर रविवार को मदार के किसी पत्ते पर या जड़ में या पौधे पर एक तिलक लगाइएगा हर रविवार को। इससे आपका सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बेला या चंदन का पौधा अगर चंद्रमा के लिए लगाया है तो इसको साफ सुथरा रखिए। हो सके तो सप्ताह में एक दिन सोमवार के दिन इसके नीचे घी का दीपक आप जला सकते हैं। आंवले का जो पौधा मंगल के लिए आपने लगाया है, बेहतर होगा कि आंवले के नीचे बैठ करके सुबह के समय मंगल के मंत्र का जप किया जाए, ओम अंग अंगारकाय नमः। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर आपने दूब लगाया है अपने घर में, जमीन में लगाया है या गमले में लगाया है, दूब की छटाई करते रहें और थोड़े से दूब तोड़ करके रोज भगवान गणेश को आप चढ़ाइएगा, आपके कार्यों की विघ्न बाधा दूर होगी
और आपको कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपने बृहस्पति के लिए केले का पौधा लगाया है तो केले में रोज जल डालिएगा। रोज सुबह उठ करके सबसे पहले एक लोटा जल केले के पौधे में डालें और उसके नीचे बैठ करके खास तौर से बृहस्पतिवार के दिन मंत्रों का जप करें। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। अगर आपने शुक्र के लिए हरसिंगार लगाया है तो नियमित रूप से उस पौधे की सफाई करते रहें। इसके फूलों को चुन करके सेलेक्ट करके शयन कक्ष में रखिएगा, बहुत अच्छा होगा। आप चाहें तो इसे मां लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। शमी के पौधे के नीचे शनिवार की शाम को या रात को सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। शनि संबंधी जो पीड़ा है, शनि संबंधी जो बाधा है, वो दूर हो जाएगी। राहु और केतु के लिए अगर आपने तुलसी का पौधा लगाया हुआ है तो इसके नीचे रोज शाम को घी का दीपक जलाइएगा और घी का दीपक जला करके प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।